हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार सी आलू की एकदम नई रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आप एक बार इस तरह से बनाओगे तो यकीन मानो आपको बेहद पसंद आएंगे और आप जल्द ही इसे दोबारा बनाने की कोशिश करोगे। तो एक बार बनाकर जरूर देखेगा, पसंद आ जाए तो लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलना। और भाई प्लीज, अगर चैनल पर नए हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दिएगा बेल आइकन। तो फिर चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ हमने आलू बनाने के लिए एक मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म किया और एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। प्याज जैसे ही ब्राउन हुआ, हमने एक मीडियम साइज का ही टमाटर लिया, यानी प्याज टमाटर दोनों बराबर से लिया है। और टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हुआ, हमने यहाँ 4 से 5 हरी मिर्च ले ली थी। इसको ठंडा कर लेना है अलग निकाल के। और बची हुई ऑयल में हमने एक हरी इलायची, एक लौंग, आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ता डाला। और जो प्याज और टमाटर था, इसका हमने ना एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। तो जैसे ही जीरा चटक गया, तो हमें टमाटर प्याज की ये प्यूरी ऐड कर देनी है, अच्छे से मिला लेना है। और साथ में यहाँ कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दें। तो यहाँ हमने लिया है सबसे पहले नमक और मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। तो हमने यहाँ हरी मिर्च भी ली है और लाल मिर्च का हम कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हरी मिर्च भी हम डाल चुके हैं इसमें। और अगर आप ज़्यादा अच्छा कलर लाना चाहते हो उसमें, तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, इस सबको अच्छे से मिला लेना है। और थोड़ा सा ही, आधी छोटी चम्मच के करीब हमें ना चाट मसाला ऐड करना है। इस सबको मिलाने के बाद मसाले को बढ़िया से भून लेना है और जब ऑयल सेपरेट हो जाए ना, तब हमें यहाँ ऐड कर देना है आलू। तो हमने आलू लिए हैं, यहाँ 2 बड़े आलू लिए थे जिसका उबाल लिया है पहले से और छोटा छोटा तोड़ लिया है इस तरह से। उसके बाद आलूओं को भी मसाले में अच्छे से मिला लेना है। सच में बहुत ही मजे के आलू बनते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हो, लेकिन हम थोड़े रसीले टाइप बनाएंगे, यानी पानी ऐड करना है इसमें। तो ये ऑयल अलग दिख रहा है, सेपरेट हो गया, मसाले ने तेल छोड़ दिया। तब हमें यहाँ 1 ग्लास भर के पानी ऐड कर देना है, सबको अच्छे से मिला लेना है। और बस 2-4 उबाल लगा लीजिए, मतलब 2-3 उबाल आ जाने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम फ्लेम को बंद कर देना है, कवर करके इसको छोड़ देंगे, ऑयल सरफेस पे आ जाएगा। बाद में इसको गार्निश कर दिएगा फ्रेश कटे हुए हरा धनिया से। यकीन मानिए बहुत ही मजे की आलू लगते हैं, एक बार ट्राई जरूर करके देखें और पसंद आ जाए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।